नमस्कार मु बंदिता 1999 मसीहा जुलाई 26 तारीख भारतीय जवान को शौर्य एवं वीरता जो सफल होता ऑपरेशन विजय पड़ोसी देश पाकिस्तान होता चितपटांग एबे पुणी थरे एमती किछि हेबाकु जाउछि जहाँ को नहीं काश्मीर नुआ दिल्ली सबुठी बाजुछि सतर्कर आलाप आगे हाँ गत 28 दिन मध्य 12 जन भारतीय जवान शहीद होती आ प्रतिशोध तो निश्चय निजी किंतु यार भितर एलओसी अनुप्रवेशकारी पुणी थरे चिंता बढ़ाई तेज कौन दुनिया देखिब कारगिल वार 2.0 देखते रिपोर्ट आर्यवर्त हिंदुस्तान तोर माटी पानी पवन को अयुत सलाम जो माने निजो पाहदुरीर कलम रे लिखिछंती विजयर कहानी आज भी साखी अच्छी कारगिल से सूर्य पहाड़ जोठी उड़ीला भारतर विजय ध्वजा घाटी रे बड़ आलर्ट कारगिल 2 पाइन चक्रवी सतर्क 1999 हेउछि रिपीट पुणी थरे हेबो कि भारत पाकिस्तान भयंकर युद्ध पुणी थरे अशांत हेबो कि जम्मू काश्मीर ए तमाम प्रश्न एवं समस्त को आशंकित करुछि कारण घाटी एमित किछि हलचल देखिबाक मिलिछि जहां केवल भय ही सृष्टि कराई पारे पाकिस्तान है कि जो न समझता है न संभलता है जी हाँ पाकिस्तान एक बार वही चीज़ दोहराने की कोशिश कर रहा है जो गलती उसने 99 में की थी जब उसने कारगिल युद्ध छेड़ा था अब फिर एक बार पाकिस्तान कारगिल 2 जैसे हालात कारगिल वार 2 जैसे हालात पैदा कर रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो लेटेस्ट एक्टिविटीज़ हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जम्मू कश्मीर में वो इस बात का इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान अब कारगिल जैसे हालात बनाना चाहता है क्रिएट करना चाहता है कारगिल युद्धर लोमटांकुरा कहानी सब मनरुली भिनी शहीद जवान को आत्मीय सुजन को कांदो बोबाली एबे भी थमिनी एहारे भितरे 25 वर्ष बीती जाइथिले भी एबे भी सतेज अछि सेई खा पुणी थरे कारगिल भली संघर्ष एबार पूर्वाभास मिलिछि कारण जम्मू काश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी बढ़ुची कार्यकलाप यह सीमार पाकिस्तानी आतंकवादी एवं सेना सदस्यों मिलित बाहिनी बॉर्डर एक्शन टीम बा बीएटीर आक्रमण उद्वेगर कारण पलटि यह आक्रमण में गत 28 दिन मध्य 12 जन भारतीय जवान शहीद होती गत शनिवार भोर में कुपवाड़ा जिलार कामकारी भारतीय जवान पेट्रोलिंग स्टेशन उपर पाकिस्तान सीमांत बाहिनी हठात कर गुलीबर्षण एक गुड़गोला बर्षण सुजोगे केतक पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी भारत सीमा मध्य प्रवेश करने को उद्यम करते कि भारतीय सेना बड़ आक्रमण को पंड कर एसएसजी के जो जीओसी हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल रहमानी वो मुजफ्फराबाद में बैठ के इन अटैक्स को सुपरवाइज कर रहे हैं कंडक्ट कर रहे हैं और जो ये पहले ख्याल था कि 40-45 के करीब आतंकवादी घुस गए हैं जम्मू के रास्ते ये 40-45 नहीं है बल्कि पूरी एक बटालियन जो है एसएसजी की वो जम्मू रीजन में दाखिल हो चुकी है हाई अल्टीट्यूड पे और घने जंगलों में और इनमें जो एसएसजी कमांडोज हैं ये प्रॉपर क्लाइमेटाइज्ड हैं जिनको सियाचिन पे भी रखा गया कुछ अरसे के लिए और वहाँ इनकी ट्रेनिंग की गई इस ऑपरेशन के लिए और ये लंबे अरसे तक हाई अल्टीट्यूड पे रहकर लड़ने की सलाहियत रखते हैं भारतीय सेनार पलटा आक्रमण में जड़े अनुप्रवेशकारी मृत्यु घटी अंपटे पाकिस्तान सेनार आक्रमण में जड़े भारतीय जवान मृत्यु होती या सहित जड़े मेजर समेत 5 जन आहत होती मृत्यु घटी भारतीय जवान जड़े नन कमिशनड अधिकारी यह मृत्यु पर ब्याट आक्रमण में भारतीय जवान शहीद संख्या 12 को वृद्धि पाई तेज जो ब्याट आक्रमण करुच्ची प्रकृत में कौन से
ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ये जो बटालियन घुसी है ये तकरीबन 600 एसएसजी के कमांडो घुस चुके हैं इस वक्त भारत की सरजमीन पर जम्मू में, और इस बटालियन की जो कमांड है वो लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ कर रहे हैं। शाहिद सलीम जंजुआ लेफ्टिनेंट कर्नल हैं एसएसजी के, ये इस वक्त बहाती टेरिटरी के अंदर हैं और ये वहां से बैठ के हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठ के ये इन अटैक्स को कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ दो बटालियन जो है यानी 1200 से लेके तो 1500 तक जो एसएसजी के कमांडो हैं, दो बटालियन वो इस वक्त मुजफ्फराबाद में बैठी हुई है और किसी भी वक्त जो है वो भारत की टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमला है, ये उस तरह का हमला नहीं है जिस तरह का हम पहले सोच रहे थे कि दहशतगर्द आए और उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, अटैक किया, नुकसान पहुंचाया और फिर मारे गए। ये एक प्रॉपर प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन है पाकिस्तान का, जो कहां खत्म होगा इसके बारे में कोई भी वसूक से कुछ नहीं कह सकता। चलित मास 8 तारीख में प्रथम ब्याट आक्रमण में काठुआ 22 गर्भवाल राइफल्स 5 जवान शहीद होते, से जुलाई 15 तारीख में 10 राष्ट्रीय राइफल्स जड़े कैप्टेन समेत 4 जन जवान शहीद होते। जुलाई 23 में पुंच जिले में एवं जुलाई 24 तारीख में कुपवाड़ा निकट में आक्रमण करता ब्याट, या पूर्व 20 जनवरी 10 तारीख में पुंच जिले में जड़े कुली मुंड काट कर 2019 अगस्त 1 तारीख में केरन सेक्टर में भारतीय सेना ब्याट्र आक्रमण को सफलतार सहित विफल करते, से 5-7 जन अनुप्रवेशकारी प्राण हर। 2018 डिसेंबर 31 तारीख में नौगाम सेक्टर में ब्याट्र आक्रमण को विफल करते भारतीय सेना, फल 2 जन पाकिस्तानी जवान मृत्यु होता। एलओसी रे क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन पाई तैयार थाए ब्याट, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन एवं जैश ए मोहम्मद भली आतंकवादी संगठन रो आतंकवादी एथिरे शामिल अछंती। भारतीय सीमा रो 3 किलोमीटर भीतर पर्यंत ब्याट रेड करथाय। आपण जानिले आश्चर्य हेबे जे ब्याट सदस्य को पाकिस्तान आर्मी एवं एयर फोर्स स्वतंत्र भावे तालीम देथांती। ରେ ସାଧାରଣତଃ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋର୍ସର ଯବାନ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଓସିରେ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ତୟାର ରହିଥାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପେଶାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ସହିତ ଲସ୍କର ଏ ତୋୟବା, ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଏବଂ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସୀମାର 3 କିଲୋମିଟର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ ରେଡ୍ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାଟ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଓ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ ଅପରେସନରେ ସାଧାରଣତଃ 6-7 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ କେତେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାମିଲ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ରେଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 778 କିଲୋମିଟର ଏଲ୍ଓସିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗରିଲା ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବ୍ୟାଟ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି 8 ମାସ ତାଲିମ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 4 ସପ୍ତାହର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 1999ରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଲଦାଖରେ କାର୍ଗିଲର ଦ୍ରାସ ଓ ପଟାଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା NH-1A କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ, ଆଉ ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ବିଜୟରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଗିଲ 2କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଢାଲ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ରୁଷିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି କୃତ୍ରିମ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଲିବାନ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କାର୍ଗିଲ।
पाश्चात्य देशगुड़िक भारत उपरे नाखुश अच्छा से भारत और रुषिया संपर्क में फाट सृष्टि करने वर्तमान पाश्चात्य देशगुड़िक पाकिस्तान को ठाल कर अगस्त 22 प्रकाशित आमेरिका प्रतिरक्षा मंत्रालय एक रिपोर्ट में कहा 2021 अगस्त मसबे आमेरिका अफगानिस्तान सैन्य प्रत्याहार करता सेतेबेले सेठाकर गणतांत्रिक सरकार भांगी जाता अफगानिस्तान आमेरिका प्राय 7.1 बिलियन डॉलर अस्त्रशस्त्र छाड़ पड़ा चलित मास भारतीय सुरक्षाकर्मी आतंकवादी विभिन्न देशर सेना व्यवहार करुवा स्टेयर एयूजी राइफल जबत करते आशंका करा जाउछि जे अफगानिस्तानु वर्तमान हथियार सबु जम्मू काश्मीर को सिफ्ट करा जाउछि 2021 रे अफगानिस्तान ने अमेरिका सैन्य जो अस्त्रशस्त्र छाड़ी पलाइथिले सेही अस्त्र सबु एबे घाटी रे पहुंचीछि सेही हथियार जोगे आतंकवादी माने सुरक्षाकर्मी और साधारण लोकों उपरे आक्रमण करुछन्ति अन्यपटे चीन पाकिस्तान को आतंकवाद लड़े पर सहायता प्रदान करपटे निकट में चीन सहायता ठार दूरे रहा आमेरिका पाकिस्तान को नहीं एक छोट बजेट प्रस्तुत करेणु एसबुर फायदा उठाई वर्तमान पाकिस्तान कारगिल 2.0 बड़ तैयारी कर भारतीय अधिकारी आशंका करुंजे पाकिस्तान जम्मू काश्मीर अपरेसन अफगान फाइटर्स को लाइपे आदि हुए तेज भारत पाकिस्तान युद्ध 1999 आहरी भयंकर हो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एबे निजबा एको छोटो ब्रेक ब्रेक पर देखिबा भारतीय नौसेना रे यूक्रेन शक्ति स्वागत अगस्त शेष सप्ताह में यूक्रेन गस्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेणु मोदी एक गस्त उपर रही सारा विश्वर नजर कारण निरपेक्ष एवं शांतिर नीति उपर विश्वास रखुवा भारत जदिओ रुषिया बड़ बंधु तथापि यूक्रेन विरोध में कदापि खोलाखोली मस्को को समर्थन करना भारत सर्वदा युद्ध सपक्ष प्रधानमंत्री मोदी अनेक थर शांति एवं आलोचना माध्यम रे समाधान रा रास्ता बाहर करने को कहते किंतु ए सब भितर मोदी यूक्रेन गस्त पछरे रही आउ एक उद्देश्य भारतीय नौसेना रे यूक्रेन पावर केमिति से विषय स्पेशल रिपोर्टर ए रिपोर्ट रे चलंतु देखिबा यूक्रेन रूसिया युद्ध बंद करिबो भारत देव मोदी शांति प्रस्ताव यूक्रेन रुषिया युद्ध 3 वर्ष बीतला किंतु एजाए कौन समाधान रास्ता बाहर बारंबार शांति कथा उठू किंतु अहंकार और जिद्दी भितर प्रतिथर कवर ने शांति ना युद्ध थमुची ना आक्रमण कमुची आमेरिका और नाटो यूक्रेन को सहायता जारी रखिता बेले सेगुड़ी को खातिर नक आक्रमण जारी रखिंट पुतिन ए सबु भितर पुणी थे युद्ध को नहीं शांतिर कथा उठी एथर किंतु ए शांति सफल होगा नहीं सारा विश्व चर्चा होिए यार कमाण संभाले से होती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सारा दुनिया मोदी यूक्रेन गस्त पर नजर रखी कारण रुषिया और यूक्रेन भितर दीर्घ दिन धरी चली युद्ध तृतीय वर्ष में पदार्पण कर सहित भारत को मूल सोवियत प्लाटफर्म्रु जमी स्पेयर पार्ट जोगाण बंद न रुए से ध्यान देवाक पड़ तेब विषय आउटे सरल खबर बुझने भारत उभय रुषिया और यूक्रेन प्रतिरक्षा उपकरण साधन तेणु मोदी यूक्रेन गस्त समय दुई देश भितर उपयुक्त संतुलन रक्षा करने निहाती आवश्यक गैस टर्बाइन पहुंचबारे विलंब जो यंतार रशियान सीपयार्ड में अर्धनिर्मित अवस्था पड़ रही तलवार श्रेणीर 2 फ्रिगेट यही इंजिन यूक्रेन में निर्माण करा जाए
युद्ध कारण इंजिन रशियान सीपियार्ड में पहुंची पारुनि। 2019 भारत हस्तक्षेप पर युक्रेन रशियान सीपियार्ड को इंजिन देवाई राजी होता। उत्तर यूरोप्र कालानिग्राद रुषिय सीपियार्ड को इंजिन देवाई किव राजी होता। यह बेलारुस एवं लाटवियार पूर्वर रही प्रथम जहाज ब्रुसेल कमिशनिंग दल मंजूरी अपेक्षार रही। द्वितीय जहाज तमाल डेलीवरी 2025 बार संभावना अच्छी। ये भारतीय नौसेना विदेशी सीपियार्ड में निर्मित शेष दुईट युद्धपोत। तेज यह दुईट युद्धपोत निर्माण करुच्ची गोआ सीपियार्ड लिमिटेड। 2014 रुषिया उपरे प्रतिरक्षा रप्तानी प्रतबंधक लागू होगापर भारत को युक्रेन रु दुईट M90 FR गैस टर्बाइन किणवाक पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी युक्रेन विजिट रही यार मूल उद्देश्य युद्ध को गोटे प्रकार सेचुरेसन पॉइंट को आने वा थर्ड पार्टी मेडिएशन टेबल रे इंडिया द फर्स्ट कंट्री जिकि युद्ध को समापन करिवार आशा सारा आम कह यूरोप पश्चिम देश माने अपेक्षारत कहीं भारत वर्तमान जमिति पुतिन सहित संपर्क सेमिति जेलेंस्की सहित संपर्क केवे भी कौन सी प्रकार विरोधर कथबार्ता बा कौन सी डिप्लोमेटिक टॉपिक नरेंद्र मोदी करना। चोरिया मेस प्रोकट होउची एक युक्रेनियो अनुसंधान एवं उत्पादन परिसर जी टर्बाइन निर्माण उपरे विशेषज्ञता हासिल करिछि। एही संस्था भारतीय नौसेनार 34 युद्धपोत को शक्ति प्रदान करिछि। इंडियन नेवी रे एही संस्थार मोट 136 टर्बाइन लागिछि। सेपरि भारतीय नौसेनार 10 वीर श्रेणी मिजाइल बोहबारे क्षमता रखुवा कार्बेट्रे जोरिया टर्बाइन व्यवहार करवल एति नुह रुषिया द्वारा निर्माण कर 10 तलवार श्रेणी युद्धपोतर भी जोरिया टर्बाइन खंजा जातीत 5 राजपूत श्रेणी युद्धपोत दुर्जय कोलकाता और दिल्ली श्रेणी जहाज में भी जोरिया टर्बाइन व्यवहार होती। भारतीय नौसेनार अधिकांश प्रपल्सन सिस्टम आमदानी जदि आम देखा आम वायुसेना कथा तेज भारतीय वायुसेना एमती किसी मात्रा में युक्रेन सहित संपर्क रही युक्रेन को डिपेंड करे। सम वेपन्स वायुसेनार किसी रही जहाँकि अपग्रेडेशन हो 2025 अपग्रेडेशन जो स्पेयर्स दरकार जो पार्टस दरकार ता युक्रेन ही दबो तार सप्लाई युक्रेन ही कर तेणु युक्रेन सहित विगत दिन मानक डिल अनेपटे ग्यास टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान बा GTI निजर कावेरी इंजिन रो एक नुआ संस्करण को विकसित करुच्छी जहार परीक्षण एवं विशाखापट्टनम यार अर्थ हो आगामी किछ वर्ष पर्यंत भारतीय नौसेना निजर आवश्यकता पूरण पर आमदानी उपर ही निर्भर कर। जोरिया टर्बाइन मरामती विशाखापट्टनम INS एक्सिला निजाए किंतु प्रति 30,000 घंटा पर यार ओभरहलिंग युक्रेन ही पठेवाक पड़े। तेज युद्ध चली पठेबा को अनेक समस्या देखा। भारतर यही जो पॉलिसी, भारतर यही जो स्ट्रेटेजी ए नरेंद्र मोदी जो आगामी अगस्त शेष सप्ताह जो युक्रेन विजिट गोटे नुआ बार्ता विश्व को दबो जे एत लॉन्ग पीरियड युद्ध को केवल केवल मात्र भारत ही बंद कर समर्थ हो पारी कारण रशिया जो एनेक्सेशन एग्रेसन जो थिला जो युद्ध 72 घंटे सरवा कथा से युद्ध आज को 36 मास 3 वर्ष तथापि युद्ध सरवार ना धरुना तेणु ए समय रे भारतर जो रोल रही भारतर जो स्ट्रेटेजी रही गुरुत्वपूर्ण अटे। 2022 March 13 रुषिय सेना दक्षिण युक्रेन में जोरिया मेस प्रोकट फैक्ट्री उपर आक्रमण कर ध्वंस कर परिस्थिति सुधार पर प्रयास कर नुआ दिल्ली फलस्वरूप भारतीय फार्म कल्याण स्ट्राटेजी सिस्टम युक्रेन जोरिया मेस प्रोकटर भारतीय शाखा अधिक अंशीदार हासिल करने भारत फोर्जर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कल्याणी स्ट्राटेजी सिस्टम 2023 May 9 में अधिग्रहण पर बुझाणा पत्र स्वाक्षरित कला। यह प्रक्रिया सी वर्ष December 31 संपन्न होता। प्रस्तावित अधिग्रहण सबु प्रकार गैस टर्बाइन अतिरिक्त समर्थन समेत डिजाइन विनिर्माण मरामती ओवरहल
ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପଟେ ରାଷିଆର ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ରାଷିଆ ସହିତ। ଏପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେପନ୍ସ ବା ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେପନ୍ସ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଣ୍ଟୋନୋଭା AN-32 ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଅପଗ୍ରେଡ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ 1984 ଓ 1991 ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ସମୟରେ 110 AN-32 ମିଳିଥିଲା। ଜୁନ୍ 2009 ଏହି ବିମାନ ଭିତରୁ 105 ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଭାରତ। ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଥ୍ରେଟ୍ସ ଟେକ୍ନୋ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସହ ଭାରତ $400 ମିଲିୟନ୍ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 440 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 AN-32 ବିମାନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କଲା। ଏହାପରେ 2011 ପ୍ରଥମ ଏବଂ 2015 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲା। 2019 ସୁଦ୍ଧା ବାୟୁସେନାର କାନପୁରସ୍ଥିତ No.1 ବେସ୍ ରିପେୟାର ଡିପୋରେ ଭାରତର 15 ବିମାନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସରଞ୍ଜାମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏସବୁ ବାଦ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଭାରତ 130mm ବନ୍ଧୁକ, P-72, T-90 ଟ୍ୟାଙ୍କ, OSA-1 ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିଜାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଦି ଟଙ୍ଗୁସ୍କା ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ୱିପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବି ସ୍ପେୟାର ଆଣେ। ରାଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ବା ଅନେକ ଥର ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏପଟେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ସେପଟେ ପୁତିନ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ବାଇଲେଟେରାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦେଶ ଭାରତୀ ବହନ କରେ ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଭାରତ ଗୋଟାଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦୋହରାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ପଲିସି ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକର ମନୋବୃତ୍ତି ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମନୋଭାବକୁ ଭାରତ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ ବା ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦାୟୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ PM ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।